और आप लोग बहुत जिद्दी हो, आपने जिद की कि मुझे आना है, इसलिए मैं आपकी जिद के आके रात के 1:30 बजे में आपके बीच भाषण दे रहा हूँ, और सुबह घर पहुँचूंगा तब तक 5 बज जाएंगे, आप देख लो स्टाइल लाइव। तो मैं धन्यवाद देता हूँ डामरा 12 चौराया यहाँ उपस्थित। एक तो जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा करें आप, जय बोले भी तेजाजी महाराज की, जय बोले राम सा पीर की। यहाँ उपस्थित भाई दुड़ाराम जी तरड, मुकाराम जी बांबू, धोकलराम जी बेनीवाल, पूर्णनाथ जी सिद्ध जो जिनके हाथ में माइक है लील सर से, मोहन जी बांबू, कुंभाराम जी धोड़िया, तिलाराम जी कोकणा, जोगाराम जी मात्रा जो प्रमुख लोग हैं मंच पे बैठे हैं, करणाराम जी तरड सरपंच साहब, अचलाराम जी गोदारा, लिखमाराम जी गोदारा, जेठाराम जी पाराथरिया, मांगीलाल जी बांबू, पोकर जी गोदारा, जसाराम जी जानी, लक्ष्मण जी बेनीवाल, पूनाराम जी नैन, खेड़ापा के एस एच ओम प्रकाश जी, अभी जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जिसने हमारे समाज की किसान कौम की बहुत बड़ी बाजी रखी, मेरे छोटे भाई संघर्षशील नेता सुनील चौधरी जो 2 दिन पहले विजय घोषित हुए हैं, और इन्होंने खुद तो पूरी रात जगते रहे लेकिन हमारे को पूरी रात जगाया 2:30-3 बजे तक लगातार संघर्ष करते रहे, और जब इनकी जीत हुई जब जाके सोए आप लोग, इनको बहुत बहुत बधाई। और राजू राम जी खोजा जो मेरे से पूर्व वक्ता थे, इनको भी इस बात की बधाई कि इन्होंने भाई हनुमान तरड जो हैं बैठे हैं ये भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आप सब लोगों ने हमारा कहना माना और एकजुट हो गए। सोच लो अगर एकजुट नहीं होते तो क्या रहता रिजल्ट, एकजुट हो गए उसी का परिणाम है कि आज हमारा भाई जीत के हमारे बीच बैठा है, नहीं तो फिर हारने के बाद अपन बैठे बैठे रोते हैं हार गए और फिर टाइम निकल जाता है। इसलिए इस बात से हमें सीख लेनी है, जिस तरह जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर आपने एकता का परिचय दिया, उसी तरह 2018 के चुनाव के अंदर भी आपको एकता का परिचय राजस्थान के अंदर देना है, और इस 70 साल की व्यवस्था को हमें बदलना है। व्यवस्था परिवर्तन के बिना न तो आपका भला हो सकता और न मेरा भला हो सकता। मैं आपका भला होगा जब भी मेरा भला होगा, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ हमारे उपस्थित दोनों पूर्व अध्यक्ष बीरबल जी